महादेव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अशोक सिंह राजपुरोहित, आज आपके सामने कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 7 केंद्र सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है सरकार, तो हम बात करते हैं सरकार क्या है। तो राज्य का वह अंग जो अमूर्त रूप को मूर्त रूप प्रदान करें सरकार कहलाती है। ऐसे सरकार के हमको दो रूप देखने को मिलते हैं। नंबर एक, अध्यक्षात्मक सरकार जो अमेरिका में पाई जाती है। अध्यक्षात्मक सरकार यानी जिसका सारा पावर अध्यक्ष के हाथ में होता है। दूसरी बात करें तो संसदात्मक सरकार जो ब्रिटेन के अंदर पाई जाती है। अब आप बात करें सरकार के अंग, तो सरकार के 3 अंग देखने को मिलते हैं। नंबर एक व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। केंद्र स्तर पर बात करें हम तो व्यवस्थापिका के अंदर आती है संसद। संसद के हमें 2 सदन देखने को मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद की बात करें तो 79 में कहा गया भारत की एक संसद होगी, और अनुच्छेद 81 में कहा गया है लोकसभा, और 80 में कहा है राज्यसभा। अगर संसद की बात करें हम तो संसद के अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर कोई कानून बनाना है हमें तो लोकसभा से कोई पारित होकर कानून कहाँ जाता है, राज्यसभा के पास। राज्यसभा उसे पारित करती है और कानून तभी रूप ग्रहण करेगा जब राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे, तभी वो कानून रूप धारण करेगा। उसके बाद आती है बात आती है कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका में हम बात करें राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 75 में भारत के प्रधानमंत्री की बात कही गई है, और अनुच्छेद 74 के अंदर प्रधानमंत्री के कार्यों को संपादित करने के लिए या उसकी सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। फिर बात आती है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका के अंदर आता है सर्वोच्च न्यायालय जो इन दोनों पर ध्यान रखने का कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में कहा गया है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो केंद्र स्तर पर होती है संसद, अनुच्छेद 79 में कहा गया है भारत की एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे, लोकसभा जिसे निम्न सदन भी कहते हैं, राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं तो राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं। उसके बाद बात आती है कार्यपालिका, कार्यपालिका में बात करते हैं हम, अनुच्छेद 52 में लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 75 में कहा गया है भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए उसकी एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका वर्णन अनुच्छेद 75(4) में किया गया है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। संसद की बात करें तो संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन होता है। अब लोकसभा की बात करें हम तो सदस्य संख्या, मूल संविधान के अंदर लोकसभा में 500 सदस्य होते थे, अगर वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की हम बात करें तो वो 552 अधिकतम हो सकती है। 552 इस प्रकार है, 530 राज्य से निर्वाचित हो जाएंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित हो जाएंगे, और 2 ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जो आंग्ल भारतीय हो जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को एक शक्ति प्राप्त है जो 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। अब बात करते हैं कि लोकसभा से राजस्थान की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा से राजस्थान की 25 सीटें हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की राजस्थान में 10 सीटें हैं। फिर बात आती है निर्वाचन की, कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वो किस प्रकार है, प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त मताधिकार के आधार पर, जिस किसी की आयु 18 वर्ष की हो चुकी है वह अपना मत का प्रयोग कर सकता है। अब बात आती है लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, कौन सा व्यक्ति लोकसभा में सदस्य बनने के लिए योग्य है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वो भारत का नागरिक है तो लोकसभा के अंदर सदस्य के रूप में वो खड़ा हो सकता है। नंबर 2, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। अधिक कितनी भी चल सकती है, 80 का हो, 90 का हो, संविधान में कोई प्रावधान नहीं, लेकिन कम से कम वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी बात ये, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किया हो। चौथी बात आती है, न्यायालय के द्वारा उसको पागल और दिवालिया घोषित नहीं किया हो। अगर ये चारों बातें व्यक्ति के अंदर होती है तो वो लोकसभा के सदस्य के रूप में खड़ा हो सकता है। अब बात आती है इसका कार्यकाल, ऐसा देखा जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष, क्योंकि ये अस्थायी सदन है तो इसको समय से पूर्व मतलब पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। अब तक इसको 9 बार समय से पहले भंग किया जा चुका है, लेकिन
42 का संविधान संशोधन 1976 के अंदर इस 5 वर्ष से इसको 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ जिसको 6 वर्ष से पुनः वापस 5 वर्ष कर दिया गया। अब बात आती है लोकसभा के अधिवेशन कि लोकसभा की वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए, तो यह है लोकसभा के 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वर्ष के अंदर इसके 2 बैठकें होने अनिवार्य हैं। अब आते हैं लोकसभा के पदाधिकारी, कौन कौन से इसके पदाधिकारी होते हैं। नंबर 1 अध्यक्ष और नंबर 2 उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 में ये प्रावधान है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है और अध्यक्ष की बात करें वर्तमान में वो है ओम बिरला जो कि कोटा सीट से निर्वाचित हो गया है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है जिसके अध्यक्ष ओम बिरला है। अब बात आती है कि अध्यक्ष का क्या कार्य है और अध्यक्ष की क्या शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्ष के कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की जितने भी बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष किया करता है। नंबर 2 लोकसभा का समस्त कार्यक्रम या कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है, कब क्या करना है तो किसके बाद क्या होगा ये सारे डिसाइड अध्यक्ष करता है। तो तीसरी शक्ति आती है उसकी, वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। नंबर 4 अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय अध्यक्ष खुद करता है। और 5वीं बात आती है संसद और राष्ट्रपति के बीच जो सारा पत्र व्यवहार किया जाता है वो अध्यक्ष के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अब हम आज आप हमने बात की है लोकसभा के बारे में। लोकसभा जिसको हम अस्थायी सदन भी कहते हैं, जिसको हम निम्न सदन भी कहते हैं। तो आज की क्लास बच्चों यही समाप्त करती है। आज हमने लोकसभा के बारे में जानकारी प्राप्त की है जो कक्षा 10th के अंदर 6 नंबर का चैप्टर है। धन्यवाद।